तो मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा ही घर बनवाने की, नीचे नीचे जैसे जैसे फैमिली को लिफ्ट वगैरह में नहीं जाना। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो भी guys, सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बिकॉज अभी मैं जा रहा हूँ एक प्यारा सा घर देखने के लिए बॉय भैया के साथ में, मेरे सब्सक्राइबर है, उनका घर है, हम भी अपना घर बनवा रहे हैं ना, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे अच्छे घर देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि डिजाइन किस तरह का बनवाएं या फिर किस तरह का लॉन बनाए, किस तरह का गार्डन बनाए। तो हमारा ही बनने वाला है, तो उससे पहले देख लेते हैं जितने भी अच्छे अच्छे घर हैं। फैमिली को अलग चाहिए, मुझे अलग चाहिए, तो हमको बीच का सोचना पड़ेगा कि मेरे को भी अच्छा लगे, फैमिली को भी अच्छा लगे, उस हिसाब से बनवाएंगे ना। तो जाने से पहले खाना खा लेते हैं। चलो मैं तो जा रहा हूँ घर देखने। चलना घर देखने क्या हुआ घर देखे? आपको कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, हम दोनों मिल के बीच का बनाएंगे ना, है ना? ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तो खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं, मैं और बबी आ जाएंगे सिर्फ। पीयूष और कुणाल तो गए हैं स्कूल, फॉर्च्यूनर लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग। आप बढ़िया? बढ़िया। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, सामने देखो कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन रहे को घर है। अच्छा ये घर दिखाने लाए हो? लग तो मस्त है। चलो गाड़ी यहाँ पार्क कर दिए, अब देखते हैं घर। तो ये वाला घर देखने आए हम। ये घर तो पूरा अलग ही लग रहा है, देखो शीशे वीशे सब कुछ देखो भाई, पूरा एंटीक लग रहा है, तो देखना। अच्छा ये पूरा पीछे तक है। विंटर्स में हमारी मम्मी वगैरह यहाँ सोती हैं, और जैसे पापा तेल मालिश हो रही है, सब यहाँ ही होती है सर्दियों में। अच्छा ये डाइनिंग एरिया ऊपर तक पूरा ये। अच्छा ये बेडरूम बेडरूम के साथ फिर मैंने ग्रीनरी दे रखी है, और यहाँ पे अंगूरों की बेल है, और जैसे बर्ड्स आती हैं तो अलग सा ही अच्छा लगता है ना व्यू। जैसे शूज के लिए भी इस तरह से बना रखा है। अच्छा बाथरूम के अंदर है। अच्छा हाँ बाथरूम के अंदर। फिर आपको आपके घर के लिए वॉशिंग एरिया अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि बरसात आती है, आपको लगता है कि आपकी मदर्स वगैरह ऊपर फ्लोर पे, ऊपर वाली फ्लोर पे कोई भी लेडी नहीं जाना चाहती, वही जो हम प्लान कर रहे थे। ठीक है, तो इतना एरिया रखना ताकि यहाँ सारा आयरन हो गया, उधर सारा वॉशिंग हो गया। मुझे आंगन टाइप में, इसको जैसे आंगन टाइप में होता है हमारे घर में, सब लोग यहाँ बैठ के मस्ती करें, आगे भी कोई दिख रहा, पीछे भी प्राइवेसी है ना। ठीक गेस्ट रूम, इसमें मिरर है। तो ये आपने खुद डिजाइन करा है पूरा? पूरा खुद डिजाइन, एक एक चीज, एक चीज, पत्थर की एक लाइन, पीओपी, फॉलिंग, बल्ब कितने देने, लाइट कहाँ देनी, पंखा कहाँ देना। बहुत सारी टाउनशिप्स बनाई हैं, भाभी को बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। ये लाइब्रेरी एरिया हो गया आपका? अच्छा लाइब्रेरी एरिया, ओके। जैसे कई बार बच्चे को नहीं अलाउ करते बाहर बैठ के ट्यूशन पढ़े तो। अच्छा आपका? हाँ जी। कहाँ सोते हो, नीचे सोते हो ऊपर सोते हो? मेरे कजन लोग आते हैं, ऊपर सोते। ये सारी ड्रॉइंग्स आपने बनाई है? मतलब कलर की है, जो जैसे प्यारी लगती है। और ये सब किसने बनाया? तो ये अपना, ये आपका स्टडी टेबल? स्टडी टेबल, यहाँ स्टडी कर दो। नहीं बहुत सुंदर लग रहा है आपका रूम भी। ये आपका ड्रेसिंग एरिया, ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, ये वाला मेरे पास भी है। पूरे घर के बीच में ये एरिया ना, ये मस्त लग रहा है, ये बेस्ट है। हाँ तो यहाँ पे पूल भी है, और ये देखो ये एरिया, ये वाला एरिया तो बेस्ट लगा मुझे। देखो घर के बीच में पूरा खुला एरिया, यहाँ पे मस्त चिल कर सकते हैं शाम को। और घर के अंदर देखो कितने सारे पेड़ हैं, बीच में कितने सारे पेड़ हैं, कितने मस्त लग रहे हैं। जहाँ से हर खिड़की से देखे तो पेड़ देखेंगे, और कोई ज्यादा बड़ा थोड़ा है, कैसे बना हुआ देखो ना, पूरा स्पेस को यूटिलाइज किया है। और जो दादीज हैं, चाची हैं, मम्मा हैं, चलने का दिख रहा है, विंटर्स में यहाँ बैठना पसंद करेंगी, सब यहाँ बैठना, और पापड़ दालें सूखने पड़े सब यही। जब आपकी फैमिली बड़ी होती है ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया। ये घर भी कनेक्टेड है पूरा, देखो यहाँ से हम नीचे बात कर सकते हैं। अरे जिसमे झूला लगा हुआ है ना, अरे ये रहा झूला। अच्छा तो यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, देखो यहाँ से हम नीचे बात भी कर सकते हैं। और ये है यहाँ की छत, दो छत हैं, एक उधर एक इधर। और देखो ये वाला एरिया था हमारा फेवरेट वाला, बेस्ट वाला। तो अभी ब्रिज के ऊपर से जाते हुए, जैसे मेरी फैमिली को चाहिए ना वैसे ही है ये, मेरी फैमिली को जैसे मम्मी पापा को चाहिए नीचे नीचे, तो ये ऐसे ही है, पूरा नीचे है सब कुछ, कोई फ्लोर नहीं है। मतलब देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा है नहीं है। उस रूम से यहाँ दिख रहा है, इस रूम से गार्डन भी दिख रहा है, यहाँ से भी नीचे का एरिया दिख रहा है, इधर का एरिया भी दिख रहा है, इधर का, मतलब किसी से भी बात कर सकते हैं। ऐसे ही हम जैसे जैसे नए नए घर दिखते हैं ना, तब आइडिया आते हैं कि हाँ हम भी इस तरह का बना सकते हैं। तो ये है मेन फ्रंट वाला एरिया, वहाँ पे कार पार्किंग है, और देखो सामने से घर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स वगैरह बो रखे हैं, घर की सब्जी सारी यहाँ से आती है। तो गाइस ये था घर जो कि हमने देखना था और फाइनली देख लिया, और काफी नए नए आइडियाज आ रहे हैं, इनसे ही पूछेंगे, इन्होंने खुद डिजाइन किया तो क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, हमारा दिमाग खुल गया, और क्या क्या चीज हमने अपने घर में ऐड कर सकते हैं। मेरे को ना घर को सिंपल रखना है, लेकिन एरिया ज्यादा हो ना उसमें तो सही रहेगा। गाइस आपको वीडियो में देख के लग रहा होगा काफी बड़ा है, काफी हाई फाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है सिंपल ही।
लेकिन उसको डिजाइन इस तरह से करा है ना कि इतना मस्त सा लग रहा है, जैसे ये वाला एरिया यहाँ पे हमारी तीनों गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा ही घर बनवाने की, नीचे नीचे जैसे जैसे फैमिली को लिफ्ट वगैरह में नहीं जाना, फैमिली को नीचे ही चाहिए पूरा, तो ऐसे ही नीचे में ये सही है ना। यहाँ पे पूरे प्लांट्स लगे हुए हैं, पूरी ग्रीनरी भरी हुई है घर में। ये देखो यहाँ पे देखो सारी कुर्सियाँ भी एंटीक हैं, सारे टेबल्स भी एंटीक हैं। हाँ ये अच्छा पसंद नहीं है ढूंढे कैसे आपने? ये मैगजीन्स आती है ना, ये मैगजीन्स आती है। ओके ओके। मैगजीन से फाड़ फाड़ के इतने सालों से ये पूल एरिया, तो छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट किया। हाँ, डेली बताती थी ये वाला पत्थर ऐसे लगाओ, फिर मैं आगे देखती थी, मैं कहती अब ये वाला पत्थर ऐसे लगाना है, फिर वैसे। तो ये पूरे भरी हुई थी तब, ये सारे बाथरूम के डिजाइन चिपकाए, फिर उनको बताया। तो अभी आपको दो इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ मैं, ये और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो तो आप ही बताओ क्या है ये। ये मेरी साड़ी पुरानी हो गई थी तो उसके फूल बचे हुए थे, तो उसके साड़ी के फूल निकाल के मैंने पेंटिंग में लगा दिए, फ्रेम कर दिया बेसिकली, इसको फ्रेम करा दिया। और ये मेरे कर्टन्स का कपड़ा था तो बच गया था, तो मैंने इसको फ्रेम करा के यहाँ लगा दिया। देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना हाई फाई है कितना है, लेकिन देख लो मतलब क्रिएटिव माइंड हो ना तो कितना सुंदर लगता है सब कुछ। ये मिठाई के डिब्बे में लग रहे थे ना, इसी के मिठाई के डिब्बे में मिठाई के डिब्बे के ऊपर थे। ये बनवाए हैं या लिए? अच्छा बनवाए हैं, काशीपुर बनवाए। स्लाइडिंग डोर है, देखो पूरे घर में बहुत सारे स्लाइडिंग डोर हैं। और ये है यहाँ का मंदिर, जैसा मंदिर मम्मी पापा को चाहिए था। तो अभी ड्रम बजा के दिखाओगे? हाँ जी। तो अभी ड्रम बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो अब मैं ट्राई करता हूँ, मुझे बजाना तो नहीं आता लेकिन मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, बस ट्राई कर रहा हूँ। एक से उठ रहा हूँ, सारी चीजें बहुत सिंपल सिंपल हैं लेकिन लग नहीं रहा। देखो ये है, ये सोफे का कपड़ा बच गया था तो कपड़े को फ्रेम कर दिया। देखो और ये खुद बना है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये भाई। कोई भी अपने घर में सिंपली बनवा सकता है। और ये है इनका किचन, किचन से बाहर गार्डन दिखता है। अच्छा टूटे हुए कांच का है, ये टूटा हुआ है लेकिन फिर भी नहीं टूट रहा, टूट के ना क्रैक आया था ऐसे। अच्छा ओनली क्रैक आया हुआ है भाई, ये सही है। देखो कांच टूट गया तो यहाँ पे लगा दिया। गाइस यूजुअली हम क्या करते हैं, जब भी घर बनाते हैं तो हम सारा फर्नीचर हम खरीदते हैं, इस तरह का जो एंटिक फर्नीचर हम खरीदते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं खरीद रखा है। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सब चीज़ें ये खुद इन्होंने बनाई हैं, और बिल्कुल सस्ती सस्ती हैं। ये नहीं कि महंगी महंगी चीज़ें देखने में लग रही होंगी लेकिन महंगी, मतलब इन्होंने बताया सब कुछ कि हमने ऐसे बनाया ऐसे कराया, और ज़्यादा महंगा नहीं है बिल्कुल भी। तो हाँ उससे मतलब आइडिया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं सस्ते में बेस्ट लगे, जो कि जैसे भी अभी जैसा अभी है। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है यार ये घर, बहुत ही। और मेरे घर वालों को भी ऐसा ही घर पसंद है कि मतलब ज्यादा ऊपर ना जाना पड़े, लिफ्ट ना लगे। जैसे मम्मी पापा के सबके रूम नीचे ही हो तो सीधा गार्डन में आना हो तो सीधा नीचे से सीधा गार्डन में, किचन से सीधा गार्डन में, बैठना हो गार्डन में बैठ सके। क्योंकि अगर ज्यादा फ्लोर बना देंगे ना फिर ऊपर नीचे आने में, गार्डन में आना तो नीचे आना पड़ेगा, ऐसे सीधा उठते सीधा गार्डन में ऐसा हो ना तो हाँ अच्छा लगेगा। चलो फिलहाल चाय आ गई, चाय पीते हैं। तो भी गाइस ये घर तो देख लिया, अब हम जा रहे हैं व्हाइट हाउस देखने के लिए। इन्होंने एक टाउनशिप बनाई जिसका नाम है व्हाइट हाउस, जो इनकी खुद की है, तो वो भी बहुत फेमस है यहाँ पे। मतलब ये डिजाइनर है ना तो उन्होंने खुद ने बनाई, तो वो देख के आते हैं चलो। और इन्होंने बोला अगर तुमको कोई भी हेल्प चाहिए हो घर बनाने से रिलेटेड तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। चलो बढ़िया, इनसे पूछेंगे। ये देखो बाहर से, तो बाहर से कुछ ऐसा लगता है। देखो तो यहाँ पे बने बर्ड हाउस, ये देखो इसमें बर्ड रहती है। तो अभी हम पहुंच गए व्हाइट हाउस, चलते हैं अंदर। ये भी बहुत सुंदर है, सारे घर एक जैसे व्हाइट है। ये टाउनशिप आप ही की है? हाँ जी हाँ जी, इसमें 92 हाउसेस हैं। 92 और ये हमारी लास्ट हाउसिंग है, टोटल हमने 9 हाउसिंग बनाई है काशीपुर में। यहाँ पे जो सारे घर हैं ये सारे बेच दिए या फिर ऑल सोल्ड? सारे बिक चुके हैं। हमारा जो आप बोर्ड देखे 108 शिवलिंग की स्थापना करी हमने यहाँ पीछे। अच्छा 108 शिवलिंग। तो गाइस फाइनली जो घर देख रहा था हम देख के आ चुके हैं, और मतलब काफी नेक्स्ट लेवल लगा, आपको भी लगा होगा। तो बोविया कह रहे थे ये घर देख ले बस, तो हाँ देख लिया। नहीं घर तो और भी काफी हैं, बट मैं ये चाह रहा था कि आपको कई सारे घर देख के ना नॉलेज मिल जाए कि कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स को कैसा चाहिए, थोड़ा सा उनसे अगर ये आइडिया शेयर करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। अभी वो वीडियो देख के काफी समझ जाएंगे ना कि ऐसा है, एक लेवल पे है
मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आपका घर बने ना तो सबकी रजामंदी होनी चाहिए उसमें। हर किसी के बारे में सोच के घर बनाना, हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, उनके बारे में सोचना है ना। मतलब सब कुछ नीचे था, कोई भी फ्लोर नहीं था, सीधा गार्डन आया, गार्डन से सीधा किचन, किचन से वही रूम, वही सब कुछ ड्राइंग एरिया। तो अभी तो गाइस और आइडियाज लेंगे हम और घर देखेंगे अच्छे से, मतलब समझेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जिम कॉर्बेट, ये देखो ये सारा जिम कॉर्बेट का एरिया है। चलो अपनी सोसाइटी में पहुंच गए, सरदा गए हैं वाली, सरदा गए हैं। तो फिलहाल घर पहुंच गया हूँ, अब फिलहाल खाना खाते हैं। जैसा घर आपको चाहिए था ना मैं वैसे देख के आया हूँ। आपको नीचे चाहिए, आपको आपको लिफ्ट नहीं चाहिए, आपको नीचे ही रहना है ना, सारा सेम वैसा जैसा आपको चाहिए। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, कमेंट कर देना आपको कैसा लगा घर। मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे जाके, उन मैम ने काफ़ी तगड़ा डिजाइन कर रखा था यार। तो मतलब नई नई जगह पे जाते हैं तो सीखने को मिलता है, आई होप आपको भी सीखने को मिलता होगा। तो हाँ, फ्यूचर में कभी आप भी वैसा ही घर बनाओगे तो हाँ, मैं तो दुआ करता हूँ बस यही। तो हाँ, फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय हाय, कैसे हो? अरे अरे, एक बार टच करना, एक बार टच करना। अरे भाई क्या हो गया? तो क्या हुआ भाई, एक फोटो खींचो है। हाँ।